लेवी व्यवस्था दो, उसकी 13 में लिखा अपनी अन्न बलियों को नमकीन बनाना, अपना कोई अन्न बलि परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक से रहित ना होने देना, अपने चढ़ावों के साथ नमक देना। हालेलुया। नमक लाने के लिए परमेश्वर ने कहा कौन सा नमक? फिर देखो लेवी व्यवस्था 2:10, अन्न बलियों में जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे हुए यहोवा के हवनों में परम पवित्र भाग होगा। कोई अन्न बलि जिसे तुम परमेश्वर के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया ना जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु शहद ना जलाना। परमेश्वर ने कहा जब तुम भेंट को लेके आना तो खमीर नहीं होना चाहिए उसमें, अखमीरी रोटियों का बनाना उसे। खमीर किसको दर्शाता है? वो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है जिसे दही बनता है, आटे में लोग डालते हैं, बेकरी वाले लोग डालते हैं उसे फुलाने के लिए, फर्मेंट करने के लिए। परमेश्वर ने कहा उसको मत देना, क्योंकि जो खमीर है वो पाप को दर्शाता है, वो मिलावट को दर्शाता है। और परमेश्वर ने कहा तुम नमक को अपने चढ़ावों के साथ देना। नमक मेल मिलाप को दर्शाता है, नमक प्रिजर्व करता है। आप चिप्स खाते हैं उसमें नमक क्यों होता है इतना ज्यादा? अचारों में लोग नमक क्यों डालते हैं? जिस चीज में नमक ज्यादा होता है वो खराब नहीं होती। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तो नमक मेल मिलाप को दर्शाता है। हालेलुया। और उसने कहा मधु और खमीर मत चढ़ाना, कि जब तुम प्रेयर करने के लिए बैठोगे अगर मिलावट है, खमीर है, तो वो चढ़ावा कबूल नहीं होगा।